Hello, my dear students. Today I will teach you 8th history, chapter 2nd, establishment of the company power. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ ट्रेडर के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ट्रेड के लिए आई थी उनके बारे में मैं बताई थी, जिसमें कि पोर्टुगीज थे, फ्रेंच थे, डच थे एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब उसमें हम देख रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों को यहाँ से भगाने में सही साबित होते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में किस प्रकार विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, उस चीज़ की चर्चा मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइज होता है वो बंगाल से शुरू होती है। उस समय बंगाल मुगल एम्पायर का एक भाग बना हुआ था। बाद में ये एक इंडिपेंडेंट टेरिटोरीज के रूप में उभर कर सामने आती है। वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब से ही फ्री ट्रेड के लिए राइट ग्रांट किए हुए थे। उसके बाद ये धीरे धीरे बंगाल में द राइट टू ड्यूटी फॉर फ्री ट्रेड में बार बार प्रिविलेज मांग रहे थे, मुझे बार बार कॉन्सेशन, उनसे कंपल्सन बार बार उन पे थोप रहे थे। वहाँ के जो स्ट्रॉन्ग रूलर थे वो जैसे मुर्शिद कुली खां हो गए, अलवर्दी खां हो गए या सिराज उद्दौला हो गए, तो ये सब वहाँ के प्रोमिनेंट रूलर थे, जिसमें कि हम अलवर्दी खां की चर्चा मैं करती हूँ। अलवर्दी खां के कोई पुत्र, कोई संतान इनके नहीं थे, तो ये अपने छोटी पुत्री के एक पुत्र सिराज उद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे और सिराज उद्दौला से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही डरना शुरू कर दिए थे। अब इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस डर के मारे, जो कि उनकी फैक्ट्री, जो फर्स्ट फैक्ट्री बनी हुई थी रिवर हुगली नदी के किनारे में 1651 में, उस एरिया को, उस भाग को वो फोर्टिफाई करना शुरू कर दिए। किलेबंदी, फोर्टिफाई मीन्स होता है किलेबंदी, उन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिए। इस पे सिराज उद्दौला मना करते हैं, लेकिन इनके मना करने के बावजूद भी ये ऐसा करना नहीं छोड़ते हैं। सिराज उद्दौला उसी के अगेंस्ट में उन पे, उनके उस पास के टेरिटोरी, कलकत्ता के जो आसपास की टेरिटोरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको वो लास्ट में सिराज उद्दौला कैप्चर कर लेते हैं। इट मीन्स हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटोरी है वो अब सिराज उद्दौला के अधीन हो जाता है। बाद में जब मद्रास के एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पे हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तीन जगहों पे बहुत पावरफुल रूप से रह रहे थे, जैसे कि मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। तो वहाँ से एक कमांडर जो रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। जब रॉबर्ट क्लाइव आते हैं तो ये सिराज उद्दौला के अगेंस्ट में कुछ लोगों को भड़काना शुरू करते हैं, कुछ अपना कॉन्स्पायरेसी करना शुरू कर देते हैं। और उस भड़काने में सिराज उद्दौला के जो मेन कमांडर इन चीफ होते हैं, मीर जाफर हो गए, फिर उसके आगे राय दुर्लभ भी है, मानिक चंद है, अमी चंद है, जगत सेठ है, ये सब उनके कॉन्स्पायरेसी में आते हैं, जो कि वो सफल हो चुके थे इनको अपने षड्यंत्र रचने में। तो जिसमें कि मेन मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ थे, उनको इस बात का लालच देते हैं कि अगर आप
कंपनी के तरफ से अगर जो भी लड़ाई होगी, अगर आप जानबूझ के हार जाते हैं तो आपको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाएगा। वही होती है ये 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता से 65 किलोमीटर नॉर्थ पलासी नामक जगहों पे कंपनी की सेना और नवाब की सेना, सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने होती है और दोनों में लड़ाई होने के बाद पहले से ही जानकारी मिली हुई थी कि मीर जफर या राय दुर्लभ जो उनके जनरल कमांडर थे, ये सब लड़ाई में कुछ भी नहीं कर रहे थे, यानी जानबूझ के उस लड़ाई को हार गए। बाद में नवाब को वहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन इस लड़ाई में मीर मदन और मोहनलाल दो व्यक्ति ऐसे थे जो बहादुरी पूर्वक लड़ते हैं नवाब के तरफ से, यानी सिराजुद्दौला के तरफ से। अब ये नवाब को वहाँ कैप्चर कर लिया जाता है और इनको मार दिया जाता है। बाद में बंगाल का नवाब मीर जफर को बनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं द बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।